कोई भी हो, चाहे महाभारत का हो और चाहे राजनीति का हो और चाहे युद्ध धर्म का हो, तब हम देखें युद्ध को जीतने के लिए तीन चीजें कौन सी हैं। पहली चीज एक तो धर्म है, धर्म, और दूसरा गुण होता है। कोई ऐसा वैसा तो कोई राजा बन नहीं सकता, साहस से भरपूर है ना। और हम देखेंगे तीसरा गुण होता है राजा बनने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, वो है धैर्य। और आज हम देखें उनमें धैर्य भी है, अष्टम उपाय। अब हम देखेंगे ये इनके घर में राजघराना है और राजघराने में परंपरा चली आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे फास्ट मूवर के रूप में हमारे ज्योतिराज संध्या जी, जो कि अपन देखें फास्ट मूवर है, नई नई खोज करते हैं कैसे एन प्रकार ने अपनी जनता की अपनी सेवा कैसे कर सके, आगे ले जा सके कैसे। और मैं तो चाहता हूँ अभी देखिए, अभी लोग चर्चा करते हैं ज्योतिराज संध्या जी, लोग यहाँ हमारे संध्या जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। और हम देखेंगे हमारे देखेंगे कि मैं चाहूंगा हमारे संध्या जी जब भी कहीं जाए, आनंदपुर भी जा रहे हैं, तो एक बार वहां पर गोपाचर की बात जरूर करा करें, क्योंकि हम देखें अगर कुंडलपुर पूरे देश में जाना जाता है तो हमारा गोपाचर ग्वालियर पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान है वो 45 फुट ऊंचे हैं। परम पूज्य मुनि व्यासागर जी महाराज जब भी इस क्षेत्र में आते हैं उनके पैरों में नमन करना ये तो मैं अपना दायित्व मानता हूँ। समाज में जन्म तो मेरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जैन समाज का एक नागरिक के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, और आपके समाज और आपके धर्म के रास्ते पे चलने का पूरी कोशिश मैं करता हूँ।